ये इसके ऊपर हमने इस कट के मुताबिक लाइन लगानी है, ठीक है। इस तरह का पीस बनाने लगे हैं, ये हम अपने ट्राईपॉड के ऊपर जो है ना इस तरह एडजस्ट करेंगे और इसको काट के चारों कोने काट दिए हैं, हम इनको प्लास्ट के साथ ये कट इसलिए लगाया कि इसकी शेप को बेंड करने में आसानी हो। ये स्टैंड मैंने गाड़ी की रिकॉर्डिंग के लिए दराज से खरीदा था, ये तकरीबन मैंने कुछ 6-7 सौ रुपये में पड़ा है। अब अगले दिन मैंने जो है ना वो ट्राईपॉड का एक्सटेंशन पूछा तो उन्होंने वो भी कुछ 600 रुपया मांगा है। तो मैंने सोचा कि ना हम इसको खुद ही डिज़ाइन करें, कि ये पीस भी अब स्क्रैप में मेरे पास पड़ा हुआ था, इसकी शेप मैंने बना दी है। अब इसको आपने फेंकना नहीं, इसको ओपन कर लेना है। ये चीज़ हमें चाहिए बस।
इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर चाहें तो आप इसको भी एडजस्टर बना के लगा सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं। ये पीस ज़्यादा कर दिया, अब ये बनाने का मकसद बेसिकली कि इसको हम इसके साथ इस तरह कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये पार्ट बना किस तरह से काम करेगा, ये मेरे पास माइकन D300 का अच्छा ट्राइपॉड है, ये देखें अब ये इधर से हिल नहीं सकता, ठीक है। और इसकी बैक का मतलब ये जो मैंने टेपर दी थी थोड़ी सी, ये इसके लिए है कि ये पीछे को ना आए, ठीक है। अब इस हिसाब से हम इसको ऊपर फिट करेंगे, आपको बताते हैं कि इसको इसमें किस तरह कनेक्ट करना है और फोन किस तरह। इनको 10 मिनट सोचने देते हैं, चलो बंद कर दूं। हां ये पीस के ना लगाने के वास्ते कहीं से, क्योंकि अंदर ना लगा अंदर लग गए ना, से थोड़ा सा काम चेक करके तो इसको कस के इधर तो बस काम आता है, इसको टाइट कर लिया। ये चीज़ ठीक है पूरा, ये जी हमने बनाई है ऊपर पार्ट। अब इसको हम इसमें सिंपल ये देखें, ये लगा
इसको इस तरह को रखना था, ठीक है। ये हमारा ड्रोन रिकॉर्डिंग के लिए हमने बेसिकली बनाया, ये देखिए। इसको हम अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, जिधर चाहे कर सकते हैं। ये मेरी पुरानी डिवाइस थी जो मैंने अपनी वुड वर्किंग के या क्राफ्टिंग की रिकॉर्डिंग के लिए बनाई हुई थी, वुड के अंदर, पैलेट के अंदर। और ये अब मैंने अपने ओरिजिनल ट्राईपॉड के ऊपर जो है ना ये पार्ट बनाया है, जिससे आप इसको अप डाउन और हर एंगल में जो है ना मूव कर सकते हैं, और कैमरे के लिए बड़ी अच्छी है। ये पार्ट्स मैंने बाज़ार से पता किया था, वो तकरीबन 500 रुपया मांग रहे थे, तो ये मैंने खुद ही स्क्रैप से जो है ना बना दिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।